नवनियुक्त महापौर दयाशंकर तिवारी और उप महापौर मनीषा धवर ने पदभार संभालने के बाद बुधवार को मनपा मुख्यालय में पहली ऑनलाइन आम सभा संपन्न हुई, जिस दौरान अनेक विषयों पर चर्चा की गई। बुधवार को मनपा मुख्यालय में ऑनलाइन आम सभा संपन्न हुई। बुधवार को हुई ये सभा नवनियुक्त महापौर दयाशंकर तिवारी और उप महापौर की पहली सभा थी। कोरोना के चलते इस बार की सभा भी ऑनलाइन की गई। सभा में विविध विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही रिक्त सभापति की नियुक्ति भी की गई। इस समय जो व्यवस्था की, इसमें कनेक्टिविटी का ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट नहीं हुआ, जिसके कारण मैं व्यवस्थित सभा का संचालन कर सका, इसलिए हमारे उन कर्मचारी बंधुओं का भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज की सभा में वैसे तो अनेक विषय थे, लेकिन इसमें से जो मुख्य विषय है वही मैं आपके समक्ष चर्चा करूँगा। एक विशेष सभागृह में था पिछले कार्यादेश को कार्यान्वित करने का। 10 दिन के अंदर एक समिति 3 लोगों की बना के हमारे अतिरिक्त आयुक्त, चीफ इंजीनियर और वित्त अधिकारी, ये तीनों की एक समिति बना के 10 दिन के अंतर्गत उनके कार्यादेश प्रायोरिटी के आधार पर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश देने के आदेश सभागृह के माध्यम से दिए गए। दूसरा एक मुख्य विषय, नागपुर महानगर पालिका के बच्चों को टैबलेट देने के लिए 2,14,00,000 रुपए की जो राशि थी, उस विषय को सभागृह के माध्यम से मंजूरी दी गई। तीसरा विषय, 131 करोड़ रुपए की शासन की राशि जो हमारे पास बैंक में रखी हुई थी, वह राशि जो है उस राशि में 5 करोड़ रुपए ब्याज आ गया। प्रशासन बोलते रहा हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन 131 से 136 करोड़ हो गया। तो वो 136 करोड़ का नियोजन किन किन मदों में होगा, वो उसके भी निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जो काम पूर्ण हो गए हैं और शासन ने राशि नहीं दी, उनको भी इस नियोजन में समाविष्ट करने के निर्देश दिए गए। हमारे यहाँ रोड के काम के लिए जो लैंड एक्विजिशन का पैसा है, उसके भी इसमें निर्देश दिए गए। इस प्रकार से ये मुख्य काम है, जिन मुख्य कामों को मंजूरी प्रदान की गई। अमृत के अंतर्गत जो काम जारी है, उस विषय को लेकर भी मंजूरी दी गई। साथ ही साथ में हमारे टैक्स विभाग में जो टैक्स का बाइफर्केशन अलग अलग हेडवाइज होता है, उस विषय को भी स्थायी समिति के पास में अग्रसित किया गया। एक विषय, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी को लेकर के महानगर पालिका के स्थायी समिति ने उपविधि बनाना चाहिए, इस प्रकार का भी निर्देश सभागृह के माध्यम से दिया गया। सभा के बाद आयोजित पत्रकार परिषद में महापौर दयाशंकर तिवारी और जल प्रदाय सभापति पिंटू झलके ने नागपुर वासियों के लिए खुशखबर दी है। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से नागपुर वासियों को पीने के पानी को लेकर समस्या जारी थी। जल विभाग में काम के कारण एक दिन के भीतर शहर वासियों को पानी मिल रहा था, मगर अब समस्या खत्म हो गई है, इसलिए गुरुवार से शहर वासियों को रोजाना पानी मिलेगा। थोड़े पीछे हमारे पास पोलीस किंवा मध्य प्रदेश पोलिसांनी आपल्याला काही नुकसान झालं नाही।
कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।